एनसीईआरटी द्वारा प्रस्तुत है उमंग 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 में अब प्रस्तुत है कार्यक्रम सच्चा मित्र। अरे इस जंगल में कौन रो रहा है? कौन रो रहा है भाई? मैं रो रहा हूँ। कौन सामने आओ। मैं तुम्हारे सामने ही तो खड़ा हूँ छोटा पेड़। पेड़ तुम क्यों रो रहे हो? तुम मुझे काट रहे हो और मुझसे पूछ रहे हो कि मैं क्यों रो रहा हूँ। यदि तुम्हें कोई काटने आए तो क्या तुम नहीं रोओगे? कहते तो तुम ठीक हो, पर यदि मैं तुम्हें ना काटूं तो मुझे लकड़ी कहाँ से मिलेगी? और यदि लकड़ी नहीं मिली तो मेरे घर में चूल्हा कैसे जलेगा? और अगर चूल्हा नहीं जलेगा तो माँ खाना कैसे पकाएगी? हाँ तुम ठीक कहते हो। हाँ ऐसा करो, वो देखो नीचे कितनी सूखी लकड़ियाँ इधर उधर बिखरी पड़ी हैं। यदि तुम इन्हें बीन कर ले जाओ तो तुम्हारा काम चल सकता है। ये तो हुई लकड़ियाँ,
पर मुझे पत्ते भी तो चाहिए। अरे भाई, मेरी ये काली है ना, मैं ये मेरी बकरी, ये क्या खाएगी? मैं अच्छा, लो, मैंने अपनी डाली नीचे कर दी, तुम अपनी बकरी के लिए कुछ पत्ते तोड़ लो। ठीक है ठीक है, चल काली जल्दी से कुछ पत्तियां चबा ले, तब तक मैं ये लकड़ियां बीनता हूँ, फिर हम घर चलेंगे। मैं इसके बाद गोपाल लकड़ियां बीनकर घर चला गया। काफी समय बाद वो दोबारा उसी जंगल में पहुंचा तो छोटा पेड़ काफी बड़ा हो चुका था। सुनो, वो पेड़ उससे क्या कह रहा है? बहुत दिनों बाद आए हो गोपाल। अरे, तुम वही छोटे पेड़ हो ना? हाँ। इतने ऊंचे हो गए हो। देखो देखो मेरी डालियां किस कदर फलों से लदी हुई हैं। ये चींटियां, कीड़े मकोड़े और ढेरों पंछी मेरी टहनियों और तने में अपना घर बनाकर आराम कर रहे हैं। ये सब तुम्हारे आभारी हैं। ये मेरे आभारी हैं? वो कैसे? यदि तुम उस दिन मुझे काट देते तो ये सब संभव ना होता। तुम चाहो तो मेरे फूल तोड़ लो, इनकी माला गूंथ कर बाजार में बेच सकते हो, कुछ पत्ते और सूखी टहनियां भी ले जाओ, तुम्हारे काम आएंगी। तुम मेरी इतनी चिंता क्यों करते हो? क्योंकि मैं तुम्हारा मित्र जो हूँ, मैं तुम्हारे बहुत काम आता हूँ। वो कैसे? तुम्हें फल देता हूँ, फूल देता हूँ, पत्तियां देता हूँ, तुम्हारे जानवरों के लिए चारा भी देता हूँ, मेरे बीजों से तेल निकलता है, दवाएं बनती हैं, और तो और अपने आसपास जितनी भी लकड़ी की वस्तुएं तुम देखते हो वो सब वृक्षों से ही तो बनती हैं। यही नहीं, मैं तुम्हारी सांस लेने वाली वायु को भी साफ करता हूँ। मैं हमेशा तुम्हारी मदद करता रहूंगा, लेकिन तब तक जब तक मैं हूँ। अगर तुम मुझे काट दोगे, मैं कैसे तुम्हारे काम आऊंगा? कहते तो तुम ठीक हो, मैं भी तुम्हारे काम आना चाहता हूँ। बताओ, मैं क्या कर सकता हूँ तुम्हारे लिए? हाँ, ऐसा करो, तुम मेरे बीजों को खाली जमीन में बो दो, मेरे जैसे और कई पेड़ उगाएंगे, वो सब तुम्हारे बहुत काम आएंगे। हाँ, ये ठीक रहेगा।